आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को टिंग टोंग यानी कि हिट जरूर करें। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कैप्टनसी टास्क जो है घर के अंदर चल रहा था। कैप्टनसी टास्क जहां पर हम देखते हैं कि घर वाले जो है रैबिट बने हुए हैं, घर वाले जो है एलिगोनी और सोनाली फोगाट जो है वो बने हुए थे आपके साइंटिस्ट। अब आपको फटाफट अपडेट ये देना चाहता हूं कि राखी सावंत, जी हाँ मियां राखी सावंत, राखी सावंत और सोनाली फोगाट कैप्टनसी के कंटेंडर बन चुके हैं। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज पर, और वो भी मैं राहुल भोज लेकर आया हूं। बता दूं आपको दोस्तों, तो राखी सावंत ने इतना बढ़िया खेला होगा तो डेफिनेटली, और प्लस रुबीना उबीना ने भी सपोर्ट किया होगा कि राखी को बनाते हैं कप्तान करके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं सोनाली फोगाट कैसे बन गई ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, और सोनाली को किसने सपोर्ट किया, क्या यहाँ पे गठबंधन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको मैंने ही बात बताई थी ये दिन में जब ये टास्क शुरू हुआ था कि निकी तंबोली को सबसे पहले बाहर कर दिया गया, निकी तंबोली आउट हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके गेम आगे बढ़ रहा था, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर ट्विस्ट एंड टर्न, और हम लोग देखते हैं कि सोनाली फोगाट और राखी सावंत घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, सॉरी कैप्टनसी के कंटेंडर बन चुकी है। यस, नॉमिनेशन का इतना है ना, कल से मेरे को झटका लगा है नॉमिनेशन सुन के, तो वही बार बार नॉमिनेशन आ रहा है। सो यस गाइस, देखते हैं कि क्या होता है, कुछ खास आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज।